नमस्कार साथियों, आप सभी के आपके अपने चैनल रामबाण हब आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जितने भी स्टूडेंट पीड़ित स्टूडेंट हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और बोर्ड और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, जिसमें अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि अधीनस्थ बोर्ड अब कंप्यूटर भर्ती के इतिहास गवाह बनेगा और राजस्थान सरकार और मंत्री सुन ले, अब बेरोजगार बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी साथी तैयार हो जाए, जल्दी हम बोर्ड का घेराव करेंगे और अगर बोर्ड ने अपनी गलती नहीं मानी या जिम्मेदारी नहीं ली है तो मैं वहीं पर आमरण अनशन करूँगा। इस प्रकार से जितने भी साथी हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी पाने के लिए सपना देखा था, वो उन सभी जो पीड़ित स्टूडेंट है वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, साथ ही एकजुट होने की भी मांग कर रहे हैं। इसके साथ न्यूनतम जो क्राइटेरिया उसको लेकर, छूट प्रदान को लेकर के और जो कमेटी बिठाने का फैसला हुआ था, और आज हरिप्रसाद शर्मा ने ट्वीट करके जानकारी दी है, जिसकी आपने न्यूज़पेपर में अपडेट देखी होगी कि परीक्षा स्कीम को लेकर कार्मिक विभाग के दो अलग अलग सर्कुलर है, जिसमें एक में 40% जो अंक प्राप्त करने में अनिवार्यता है, जबकि दूसरे सर्कुलर में ऐसा नहीं है। इसलिए कार्मिक विभाग से मामले में मार्गदर्शन मांगा गया है हरिप्रसाद शर्मा ने। अब कार्मिक विभाग और कमेटी क्या फैसला करती है उसका जल्द ही निर्णय आने वाला है। इसके साथ ही जो जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो भी बेरोजगार स्टूडेंटों का साथ दे रही है, जिसमें पाठशाला और उत्कर्ष क्लासेज के CEO निर्मल गहलोत ने भी ट्वीट करके कंप्यूटर अनुदेशक पक्ष में अपनी बात रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अत्यंत गंभीर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में बेसिक का पेपर इतने उच्च स्तर पर देना और सिलेबस के अनुसार नहीं देना, यूनिट वाइज अंक बार का सही अनुपात नहीं होना, ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसके साथ बात यह है कि आयोग को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। पेपर इतना हार्ड जो यूजीसी नेट इसरो की तरह दिया गया, लेकिन जो ग्रेड पे है आप देखेंगे तो 2800 ग्रेड पे ये भर्ती है। ये बहुत ही विडम्बना है इसको देखते हुए। इसके साथ काफ़ी स्टूडेंट जो स्क्रीनशॉट भी साझा कर रहे हैं, जो पेपर में खुले हुए मिलने के कारण, जो पेपर खुला हुआ मिला है काफ़ी सेंटरों में, लगभग काफ़ी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं ग्रुपों में, और जो एकजुट होकर के साथ ये आवाज़ उठा रहे हैं। लगभग जो डेट है वो अभी तक नहीं आई है कि इस दिन जो साथी है वो इकट्ठा होने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 40% जो क्राइटेरिया है मार्क्स को लेकर के वो मेंशन किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं। और इसके साथ जो ये अलग अलग आवाज़ उठा रहे हैं, और जो पाठशाला क्लासेज के संजय सर, उन्होंने भी कोर्ट में जो ये याचिका दायर करने की बात की है, जल्दी उनकी याचिका दायर होने वाली है। और अभी गर्मियों की छुट्टियों का भी फैसला आ रहा है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही है हाई कोर्ट में इसको लेकर, और जो बेरोजगार स्टूडेंट है, पीड़ित स्टूडेंट है, वो सभी आवाज़ उठा रहे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े जितने भी स्टूडेंट हैं। इसके बाद बात करूँ तो जो साथी है जिसमें सर बेसिक 4th ग्रेड का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा TGT PGT का करवा सकते थे, और इस उस लेवल की पढ़ाई बेरोजगारों ने करी थी। किसी को उम्मीद थी कि पेपर गेट UGC नेट और इसरो साइंटिस्ट लेवल का आएगा, ना ही नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ दिया गया, और बेरोजगारों ने खूब मेहनत करी थी, क्योंकि साथी जो लगातार 10 से 15 घंटे मेहनत कर रहे थे अपनी जो सफलता है वो हासिल करने को लेकर। लेकिन बोर्ड की गलती है, ना तो सिलेबस में उन्होंने क्लियर मेंशन किया था, और ना ही इस प्रकार से पेपर जो आउट ऑफ सिलेबस देने, जो जो टॉपिक दे रखे उन टॉपिक से बाहर जो नए टॉपिक जो नहीं एड है उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात यह है कि या कोर्ट के फैसले से जो निर्णय आता है वो बेरोजगारों के पक्ष में होगा, या बोर्ड कुछ ऐसा फैसला दे जिससे बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से हर अपडेट जानने के लिए हमारे रामबाण हब चैनल से ज़रूर जुड़े, और टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर ले, जहाँ पर आपके पास जो भी स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर साझा करें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े।